दोस्तों फिल्म कल की 28, 98, 80 ने आते ही सिनेमा घरों में धूम मचा दी है। शुरुआती अनुमान कहते हैं कि 600 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने पहले दिन ही 96 से 100 करोड़ रुपए की रेंज में कलेक्शन किया है। वहीं इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 200 करोड़ रुपए तक बताया जा रहा है। अगर आप भी ये फिल्म देखने जाने का प्लान बना रहे हैं तो उससे पहले ये वीडियो जरूर देख लीजिए। दरअसल कई लोगों का कहना है कि फिल्म को वही लोग समझ सकते हैं जो हिंदू इतिहास को समझते हैं। जिन्हें इसकी जानकारी नहीं है उन्हें पिक्चर समझ नहीं आएगी। इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि कल्कि के अंदर वो 10 कौन से सीन्स और स्टोरी है जो एक्चुअल में या तो घट चुका है या घटने वाला है, जो कहीं न कहीं सच्चाई पर आधारित है। इन्हें जानने के बाद ही फिल्म देखिएगा, वरना फिल्म समझ में नहीं आएगी। सबसे पहला फैक्ट जो फिल्म में दिखाया गया है वो ओपनिंग सीन में ही देखने को मिल जाता है। ये सीन महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक महिला के गर्भ पर बाण लगता दिखाया गया है। बता दें कि ये महिला कोई और नहीं बल्कि उत्तरा है। उत्तरा अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी थी। अश्वत्थामा पांडवों के पूरे वंश को समाप्त करना चाहते थे, इसलिए अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया था। इसी सीन को फिल्म में दिखाया गया है जो कि महाभारत से लिया गया है। फिल्म में दिखाई गई दूसरी सच्ची घटना की बात करें तो वो है भगवान कृष्ण का अश्वत्थामा को श्राप देना और उनकी मणि उनसे छीन लेना। दोस्तों ये बिल्कुल सच्ची बात है। कृष्ण इस बात से बेहद नाराज थे कि अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर बाण चलाया। सुनो ने अश्वत्थामा के माथे की मणि निकलवा ली और उसे चिरकाल तक भटकते रहने का श्राप दिया। ये सीन फिल्म की शुरुआत में ही दिखाया गया है। अब आते हैं सच पर बेस तीसरे सीन पर। फिल्म कल्कि में दोस्तों दिखाया गया है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा तब गंगा नदी सूख जाएगी। फिल्म में गंगा को सूखा हुआ बताया गया है, ये एक्चुअल में सच है। पुराणों में कहा गया है कि जब कलयुग के 5000 साल पूरे हो जाएंगे तब पद्मा सरस्वती और गंगा पृथ्वी छोड़कर वापस स्वर्ग लौट जाएंगी। धरती पर अब बस गंगा बची है जो कि कलयुग में अर्थ पर नहीं रहेंगी। इसे भी फिल्म में बिल्कुल सही दिखाया गया है। इसके अलावा फिल्म में अश्वत्थामा जिनका किरदार अमिताभ बच्चन निभा रहे हैं उन्हें भगवान कल्कि को बचाते हुए दिखाया गया है। ये सीन एग्जैक्टली तो नहीं लेकिन पुराणों की कथाओं से मिलता जुलता है। बस फर्क इतना है कि अश्वत्थामा कल्कि को बचाएंगे नहीं बल्कि उन 7 चिरंजीवियों में से एक होंगे जो भगवान कल्कि को कलि का खात्मा करने में मदद करेंगे। अब आते हैं चौथे सच्चे सीन पर। फिल्म में दीपिका भगवान कल्कि की मां का किरदार निभा रही है। दीपिका के किरदार को सुमति नाम दिया गया है, ये भी पुराणों से लिया गया है। दरअसल पुराणों में इस बात की पूरी जानकारी मिलती है कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि कब कहां किसके घर पैदा होंगे। पुराणों में बताया गया है कि भगवान कल्कि की मां का नाम सुमति होगा, दीपिका को भी वही नाम दिया गया है। पांचवें फैक्ट की बात करें तो वो है फिल्म में बार बार आया संभाला नाम की जगह का जिक्र। दोस्तों ये कोई इमेजिनरी नाम नहीं है। संभल उत्तर प्रदेश का वो जिला है जहां मान्यताओं के मुताबिक भगवान कल्कि का जन्म होगा। इसकी खास अहमियत की वजह से इसे फिल्म में जगह दी गई है। बढ़ते हैं छठे फैक्ट की ओर। फिल्म में अश्वत्थामा बने अमिताभ को करीब 9 फीट का और बहुत ही पावरफुल दिखाया गया है। दोस्तों ये भी यूं ही नहीं है। पहली बात अश्वत्थामा एक बहुत ही शक्तिशाली होता थे और दूसरी अश्वत्थामा द्वापर युग के है, तब आमतौर पर लोगों की हाइट 8 फीट होती थी, इसी कारण उन्हें फिल्म में भी 9 फीट का दिखाया गया है। सातवां फैक्ट धनुष से जुड़ा हुआ है। फिल्म में गांडीव धनुष दिखाया गया है जिसे कोई न उठा पा रहा है और न छू। आपको लगेगा कि ये भी एक बनाई हुई कहानी है लेकिन ऐसा है नहीं। गांडीव धनुष महाभारत काल का सबसे दिव्य धनुष था जो अर्जुन के पास था। ये धनुष बेहद शक्तिशाली था। अगले फैक्ट की बात करें तो वो कर्ण के धनुष से जुड़ा हुआ है। फिल्म में प्रभास महायोद्धा कर्ण का रोल निभा रहे हैं जो आखिर में एक अस्त्र से सुमति को बचाते हैं। इस अस्त्र को अमिताभ भी मूवी में सबसे ज्यादा ताकतवर बताते हैं। दोस्तों इस अस्त्र को मूवी में विजय धनुष कहा गया है जो कि असल में कर्ण के धनुष का नाम था। भगवान परशुराम ने कर्ण को विजय नाम का यह धनुष दिया था। वो नवा फैक्ट जो फिल्म में दिखाया गया है वो है काशी का एग्जिस्टेंस। दरअसल बहुत से लोग समझ नहीं पा रहे कि पिक्चर में सिर्फ काशी को ही क्यों दिखाया गया है और किसी जगह को क्यों नहीं। तो बता दें कि काशी को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। काशी को संसार के सबसे पुराने नगरों में एक माना जाता है जिसे खुद शिव शंकर ने बसाया था। कहते हैं कि काशी दुनिया के अंत तक रहेगी, शायद इसी वजह से काशी को फिल्म में दिखाया गया था। अब आते हैं आखिरी फैक्ट पर। फिल्म में प्रभास को भैरव नाम दिया गया है। मूवी में बार बार ये जिक्र आता है कि भैरव ही काशी की रक्षा कर सकता है। क्या आप जानते हैं कि ये सच है? दरअसल मान्यता है कि काशी नगरी की रक्षा खुद भगवान भैरवनाथ करते हैं। काल भैरव को काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। इसी को देखते हुए मेकर्स ने प्रभास का किरदार सेट किया है। आपको ये फैक्ट्स कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।